नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक सिवान, हुसैनगंज, नौतन, मैरवा, गुठनी तमाम प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहां के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इस बात की ये पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार बदलाव की एक लहर है और उसी बदलाव के लहर पे जितने भी प्रत्याशी हैं उनके अंदर एक आशा की किरण जगी है कि बदलाव के नाम पे जनता हमको लाएगी। तो अभी हम मौजूद हैं बरहड़िया प्रखंड में और बरहड़िया प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है क्योंकि यहां भी 3 नवंबर के दिन वोटिंग होने वाला है। तो खासकर बरहड़िया क्षेत्र प्रखंड के क्षेत्र संख्या 20 में हम मौजूद हैं जो जिला परिषद 20 के अंतर्गत आता है। तो वहाँ के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी है संतोष यादव जी हमारे साथ मौजूद है और जो इनका चुनाव चिन्ह है हारमोनिया छाप जो क्रमांक संख्या 18 पे मौजूद है। हालांकि इस क्षेत्र से प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं लेकिन इसी में कुछ ही ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जनता पे पकड़ अच्छी है और जनता ये अपना माइंड भी सेट कर रही है कहाँ हमको वोट देना है। तो सबसे पहले संतोष जी स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले आपका चैनल का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चल रही है आपके क्षेत्र में वो कायम रहेगी? एकदम बदलाव तो होना है, जनता जनार्दन मालिक के बदलाव करने के लिए हम तैयार हैं। एक चीज़ है संतोष जी, जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ का जो युवा है ये तो खुद चुनाव लड़ रहा है या अच्छे कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहा है तब जाके बदलाव हुआ है। तो इस क्षेत्र के युवा किधर जा रहा है, एक आप यूथ भी हैं आप, तो क्या युवा आपके साथ खड़ा है इस चुनाव में? एकदम युवा लोग हमारे साथ है, इस चुनाव में युवा एकदम हमारे साथ है। तो एक और चीज़ है कि बहुत सारे प्रत्याशी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ ही प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका पकड़ जनता पे अच्छा है, तो क्या जनता ये मान के चले कि यहाँ 4-5 कैंडिडेट पे चुनाव होने वाला है? हाँ वो तो है, देखिए लड़ाई लास्ट 1-2-3 आदमी रह जाता है, बाकी सब लोग धनिया तेजपात की तरह गायब हो जाते हैं। तो एक चीज़ और होता है संतोष जी, आपको भी पता होगा कि पंचायती राज चुनाव में जाति समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे तो लोग विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू करते हैं, जनता भी बोलती है विकास नहीं हुआ है, नेता बदल देना है, विकास के नाम पर ही हमको वोट करना है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है नेता के साथ साथ जनता भी विकास के मुद्दा को साइड कर देती है और जाति और धर्म में चली जाती है, अपने जाति को देख के वोट करना शुरू कर देती है। और यही कारण है कि आज तक हमारे क्षेत्र में चाहे हमारे पंचायत में किसी पंचायत में विकास नहीं हुआ, उसका मेन कारण यही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता समझदारी का परिचय देते हुए जाति मजहब से ऊपर उठकर एक विकास करने वाले व्यक्ति को वोट करेगी? हाँ ये तो मैंने अब जो देखिए पहले का जो चुनाव होता था जाति पर बात सही है, अभी जो हर समय देख रहे हैं 2016 का पंचायती चुनाव, अभी 2021 में भी हम लोग देख रहे हैं कि एकदम जाति समीकरण से हट के लोग बढ़िया कैंडिडेट ईमानदार कैंडिडेट को लोग वोट दे रहे हैं, कोई जाति समीकरण रह नहीं गया है, सभी लोग मिलकर अच्छे प्रत्याशी युवा प्रत्याशी को लोग चुन रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। एक चीज़ और देखा गया है कि पंचायती राज चुनाव में जो लास्ट की जो 2 रात होती है ना वो क़यामत की रात मानी जाती है क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जो महीना दिन मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं उनका अनुमान होता है कि हम 2 रात में अपना वोट बना लेंगे, तो वो क्या करते हैं जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार वो शुरू करते हैं। और हमारे समाज में 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके किसी भी प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं, तो उसी वोट को वो लोग साधते हैं रात में, तो लोग जिधर वोट डालते हैं खेला उधर बिगड़ जाता है। तो जनता से आप क्या अपील करते हैं, लालच में आके वोट करना सही बात है? नहीं नहीं, लालच में आके वोट बहुत बड़ा एक चीज़ होता है, मतदान सोच समझ के मतदान करना चाहिए और कभी लालच में मत आइए। लालच में आने के बाद देखिए हर पंचायत में चुनाव होने के बाद लोग देखते हैं कि लालच में आने के बाद वही मुखिया जी चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो वो कहते हैं कि हम तो पैसा से वोट पैसा दे के वोट खरीदे हैं। ये चीज़ हम जनता जनार्दन मालिक से आग्रह करेंगे कि आप लोग वोट अपना सोच समझ के प्रत्याशी को दें और वोट और मतदाता जो सबसे बहुमूल्य चीज़ होते हैं इनका कीमत लगा पाना मुश्किल है, लेकिन जो जनता पैसा में वोट अपना दे देती है वो अपना कीमत भी लगा देती है और वो अपना मूल्य भी खो देती है, जीतने के बाद वो प्रत्याशी पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा जो हारमोनिया छाप आपको चुनाव चिन्ह मिला उसको लेकर? हम 20 नंबर जनता जनार्दन मालिक से आग्रह करेंगे, 18 नंबर मेरा चुनाव चिन्ह है हारमोनिया छाप पे, आप सभी जनता जनार्दन मालिक से बार बार आग्रह करेंगे एक बार मुझे जिताएं और हारमोनिया छाप पर मोहर लगाएं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं बरहड़िया प्रखंड से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के जो भावी उम्मीदवार हैं संतोष यादव जी और इनका जो चुनाव चिन्ह है क्रमांक संख्या 18 पे हारमोनिया छाप है,
और इनका साफ का नाम है कि इस बार का चुनाव इतिहास लिखेगा और अपने आप को एक सही रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि और बार से ये हट के चुनाव हो रहा है। तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर दिखाई दे रही है उसके पीछे रीजन यही है कि जो भी लोग जनता के वोट को खरीदने की कोशिश करते थे और इस बार कर रहे हैं, जनता उनको कड़ी जवाब दे रही है। हालांकि पैसा तो पानी की तरह कुछ प्रत्याशी बहा रहे हैं, लेकिन जनता उनके मंसूबों को पानी फेर दे रही है। यही कारण है कि इस बार 90% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं, 10% हैं जो कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, जनता उनको मौका दे रही है। हालांकि इनका साफ कहना है मेरे क्षेत्र में अभी तक विकास अवरुद्ध हुआ है, कारण यही है कि जनता जाति मजहब के नाम पे वोट की है और लालच में वोट की है, लेकिन इस बार जनता इतनी समझदार हो गई है कि उसको विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, और ये जनता विकास के मुद्दा पर एक अच्छे कैंडिडेट को लाएगी तब जाके इस क्षेत्र का विकास होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस क्षेत्र का हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। और 13 नवंबर के दिन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखिएगा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 का जनता अपना 5 साल का भविष्य किसके हाथों में देती है। तब तक के लिए धन्यवाद।